अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 10th के पेपर्स हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स बोर्ड के, तो उसके लिए आपकी खिदमत में जो है वो गेस्ट है पेश कर रहे हैं, पेशे खिदमत है। तो देखिए, ज़रा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपके सामने मैंशन किए हुए हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस? और इसके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब इन ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट देखें, राइट द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। और अब ये देखें जी, राइट थ्री नेम्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज की दो टाइप्स बयान करनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन? स्पॉन्जी बोन और कम्पैक्ट बोन में फ़र्क बयान करना है। राइट द नेम्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्शन। कोऑर्डिनेशन एक्शन के कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं जस्ट। और नेक्स्ट, राइट नेम्स ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय ओवरीज। ओवरीज कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है ये बयान करना है। और इधर है जी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनो ऑक्साइड प्रेजेंट इन तंबाकू स्मोक? तंबाकू के जो तंबाकू का स्मोक होता है उसमें कौन से मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, ये उस उनके इफेक्ट बताने हैं असरात। और ये देखें जी, राइट द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। राइट नेम ऑफ थ्री मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ब्रेन के थ्री मेन पार्ट्स बताने हैं। हाइपोथैलेमस का फंक्शन बताना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस और इलास्टिक कार्टिलेज में डिफरेंस बयान करना है। अभी फिलहाल ये पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले सामने देख लेते हैं। अभी फोर सिम्टम्स ऑफ निमोनिया बयान करनी है। और इसी तरह टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस बयान करनी है। राइट डाउन टाइप्स ऑफ नर्व ऑन बेसिस ऑफ एक्सोन करेक्टर्स। ये देखें, राइट डाउन द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट है जी आपके पास, राइट डाउन द डिफरेंस अमंग मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड इंटर न्यूरॉन्स, इनके दरमियान डिफरेंस बयान करना है। राइट डाउन द नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरन। यूरिन की जो केमिकल कंपोजिशन है, नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन, वो आपने राइट करनी है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। राइट डाउन द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन। राइट डाउन द काज ऑफ पैरालिसिस। पैरालिसिस जो होता है उसकी काज बतानी है। राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स की मिसालें बयान करनी है, दो तीन बयान कर दें। राइट अ नोट ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो, इसके बारे में आपने नोट लिखना है। राइट अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ अली अली इब्ने सीना अबाउट आई, आँख के मुतालिक इसके इसने क्या काम सर अंजाम दिया ये बयान करें। वाई ट्रांसपायरेशन डज नॉट टेक प्लेस एट नाइट। ट्रांसपायरेशन रात के वक्त क्यों नहीं होती ये बताना है। विच ड्रग्स आर टेकन इन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो होते हैं, दौरे पड़ते हैं, इसमें कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। विच हारमोन्स आर सिक्रेटेड बाई ग्लैंड्स। ग्लैंड्स जो हैं वो कौन से हारमोन सिक्रेट करते हैं। व्हाट फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाई दीज हारमोन्स, और ये हारमोन्स कौन से काम को कंट्रोल करता है, काम सर अंजाम देता है। व्हाट इज स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या है, एग्जाम्पल बयान कर एग्जाम्पल देनी है। वेयर फाइब्रस कार्टिलेज इज फाउंड, फाइब्रस कार्टिलेज कहाँ पाई जाती है। व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ यूरन इन द किडनी। किडनी के अंदर जो है वो यूरन का बनना जो है वो, उनमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। व्हाट इज वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स क्या है। व्हाट इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन से क्या मतलब है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ किडनीज इन द बॉडी, ये किडनीज कहाँ पे होती है इंसान जिस्म के अंदर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, ये रिपीट कर गया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेम्पोरल टेम्पोरल लोब, ये भी रिपीट कर गया है। तो परेशान नहीं होना, आपने जो रिपीट हो गए हैं, दो तीन क्वेश्चन दो जो भी रिपीट हुए हैं फिलहाल। अब ये देखें, हमने कुछ पढ़ लिए थे तो अभी देखते हैं इधर से। ये है जी आपके पास, ये भी हो गया था स्पाइनल कॉर्ड का। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है। सीड डोरमेंसी क्या होती है। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। व्हाट इज सेल्यूटेटरी इम्पल्स क्या होती है। व्हाट इज रेनल ट्यूब्यूल, किडनी के रिलेटेड है। व्हाट आर इट्स पार्ट्स। व्हाट इज राइजोम्स। व्हाट इज रिफ्लेक्स सेक्शन। व्हाट इज फेरेंस। व्हाट इज निमोनिया। व्हाट इज पेरिटोनियल।
डायलिसिस, व्हाट इज ओस्मो रेगुलेशंस, व्हाट इज पैसिव स्मोकिंग, व्हाट इज इट्स इफेक्ट्स, पैसिव स्मोकिंग क्या है और इसके क्या इफेक्ट हैं, असरात हैं, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन से क्या बना होता है, व्हाट इज mRNA क्या है, व्हाट इज निकोटीन, निकोटीन क्या है, व्हाट इज मैरिजुआना, मैरिजुआना व्हाट इज इट्स सोर्स, ये कहाँ से मिलती है, मैरिजुआना क्या है और कहाँ से मिलती है, व्हाट इज मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी, व्हाट इज लंग कैंसर, लंग कैंसर क्या है, लंग फेफड़ों का, व्हाट इज किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट से क्या बना होता है, व्हाट इज लिथोट्रिप्सी, व्हाट इज होम्योस्टेटिस, गिव एग्जाम्पल, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, अहम क्वेश्चन है, व्हाट इज होम्योस्टेटिस, होम्योस्टेसिस, व्हाट इज ग्लोटिस, व्हाट इज एक्सपायरेशन, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, व्हाट इज डायबिटीज मिलिटस, व्हाट इज डायफ्राम, व्हाट इज कोरोला, व्हाट इज इट्स रोल, इसी तरह आगे देखें जी, व्हाट इज क्रोमेटिन, व्हाट इज क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है जी, व्हाट इज सेरिब्रम, व्हाट आर देयर फंक्शंस, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट इज ब्रोंकाइटस, ये रिपीट कर गया, व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज बायोस्फीयर, व्हाट इज ब्रोंकाइटस, ये अच्छा हो गया, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, व्हाट इज आर्टरियोस्क्लेरोसिस, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलिलस, ये थे आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, अगर ये आप कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है 100% अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छे सवाल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जी, लॉन्ग क्वेश्चन देखें जी, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन है बुक के अंदर, न्यूट्रिशन एंड इट्स वेरियस टाइप्स, इसी तरह आगे देखें रेस्पिरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेक्स्ट देखें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, प्लांट ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, बबल सर्कुलेशन, फंक्शनल यूनिट ऑफ वेरियस साइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कुछ लॉन्ग मतलब इकट्ठे करके आपको कुछ बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग जो है, तो आपने ये सारी करनी है, रिफ्लेक्स एक्शन, फंक्शंस ऑफ ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फंक्शंस ऑफ स्पिन, एस स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड आना था ये, स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ये क्या जी, फाइटो हार्मोन्स, नास्टिक मोमेंट्स इन प्लांट्स, और ये देखें जी पोटोट्रो ट्रोपोसीन है, पोटोट्रोपोसीन, इस तरह करके ये लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, डीएनए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव, ये अहम क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस एंड, और इसी तरह ये रैबिट के अंदर है, फर्टिलाइजेशन है, ये हर्माफ्रोडाइट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है, जेनेटिक्स है, वेरिएशन है, हेरिडिटी है, और ये जो 10% लॉ मोनोहाइब्रिड है क्रॉस एंड डीहाइब्रिड है क्रॉस, इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड करेक्टर्स है, एनालॉग्स एंड होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, कंपेंसेशन है, कंपेंसेशन पॉइंट है, बायोमैग्निफिकेशन है, इकोसिस्टम है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, थ्री आर कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है, फूड चेन एंड फूड वेब है, डियर स्टूडेंट ये लॉन्ग्स हैं कुछ ज़्यादा मतलब जो तकरीबन सारे ही आपको दे दिए गए हैं, तो ये सारे ही अहम हैं, ये बार बार रिपीट हुए हैं, तो आपने इनको कर लेना है, इंशाल्लाह ताला आपका जो पेपर है वो 100% इसमें से अटैम्प्ट हो जाएगा, तो दुआ में याद रखिएगा, तैयारी करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स से पास करेगा, तैयारी करें, मेहनत करें, और कोई नेक्स्ट किसी किस बुक का आपको गेस्ट चाहिए इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए, अपने पैरों का ख्याल रखिए, और हमें भी दुआ में याद रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।